हाय फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज हम लोग करने वाले हैं FM BM बिजनेस मैथमेटिक्स। ये हमारा थर्ड लेसन है इंटरेस्ट एंड एन्यूटी का। इसमें हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट देख लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द कंपाउंड इंटरेस्ट। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी फॉर्मूला यूज होने वाले मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। ओके, सो क्या क्या है, देखो ए विच इज ए का फुल फॉर्म क्या है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू होता है, इक्वल्स टू पी प्रिंसिपल 1+i^n, सी आई इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1+i^n-p, kth पीरियड, मतलब कोई अगर हम लोग को बोला कि 10th पीरियड निकालना है, 9th पीरियड निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। ओके, अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। एनुअली कंपाउंड क्या हुआ, क्या बोला, कैलकुलेट, तीन चीज कैलकुलेट करने बोली, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। क्या है अमाउंट आफ्टर 3 years, तीन साल का अमाउंट क्या होगी, उसके बाद हम उसके लिए हम लोग को लेने का ये वाला फॉर्मूला। ओके, सो हम फॉर्मूला पुट करते ए इक्वल्स टू पी ब्रैकेट में 1+i^n। सो यहाँ पे हमारा ए तो हम लोग को फाइंड आउट करने का है। ओके, पी कितना है, अमाउंट कितना है, 15,000 है, ब्रैकेट में 1 as it is प्लस आई कितना है, आई मीन्स वॉट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 0.08 raised to n इज 3, आर हमारा 8% था, तो आई इक्वल्स टू 8/100। ओके, तो मेरे को ये मिला। नाउ मूविंग फर्दर, ए इक्वल्स टू 15,000, 1.08 प्लस कर दिया रेस टू 3, सो ए इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करो 15,000 इंटू, इसको 3 रेस टू 3 करो, आपको कितना मिलेगा, 1.2597 मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 18,895.68। इसको आप अप्रॉक्स ले सकते हो 18,896। ओके, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इज इन 3 years, तीन साल का कंपाउंड इंटरेस्ट साथ में निकालना है। मतलब क्या, जो हमारा ये एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो हम लोगों ने निकाला है, ये हम लोगों ने क्या निकाला है, अमाउंट आफ्टर 3 साल के बाद हम लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा ये है। अभी बोला है टोटल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years, टोटल मतलब प्रिंसिपल के साथ ये अमाउंट, तो ऑफकोर्स क्या करना है, हम लोग को ऐड करना है सेकेंड में। सो क्या चाहिए हम लोग को, 3 साल टोटल कंपाउंड चाहिए ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कंपाउंड इक्वल्स टू एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस प्रिंसिपल। इसमें एक्चुअली में प्रिंसिपल ऐड है, ये जो अभी मतलब इसमें प्रिंसिपल के साथ ही 3 साल बाद जो अमाउंट मिलने वाला है, इसमें से प्रिंसिपल निकाल देंगे तो हम लोग को टोटल सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। सो 18,896 - 15,000 कितना मिलेगा, माइनस करो 896 as it is आ जाएगा, और 15 - 18 कितना होता है, कितना डिफरेंस है, 3, सो यहाँ पे होगा 3,896, राइट। मूविंग फर्दर, थर्ड पार्ट में क्या बोला हम लोग को, थर्ड पार्ट में क्या बोला, क्या फाइंड आउट करना है, इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, सिर्फ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, kth पीरियड, मतलब जो भी पर्टिकुलर पीरियड का दिया हुआ है, राइट। सो हम लोग इधर लिखते हैं इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, पी 1+i k-1, जो पीरियड हुआ उसका माइनस वन इंटू आई, पी क्या है 15,000,
ये हो जाएगा 1.08, ये जो हम लोग को मिला है। k कितना थर्ड बोला है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस i मतलब इंटू i कितना है 0.08, मल्टीप्लाई करो। सो ये 1.08 वेस्ट टू 2 कितना मिला हम लोग को, 15,000 इंटू 1.1664 इंटू 0.08, इसे इंटू कर दो इंटू 0.08, कितना हो गया 15,000 इंटू 0.093312। ओके, अब इसको इंटू 15,000 कर दो, यू गॉट द आंसर, क्या दिया है 13,099.68, ये आपका अप्रॉक्स वैल्यू है। इसको आप क्या ले सकते हो 14,000, बिकॉज ये 5 से ज़्यादा है तो इसका 1 कैरी होगा इधर, दे पूरा कैरी हो जाएगा, तो 14,000 इज योर अप्रॉक्स, सॉरी 1,400 इज योर अप्रॉक्स आंसर। यहाँ पे हमने तीनों का फाइंड आउट किया है। मूविंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्या दिया है यहाँ पे, द एक्युमुलेटेड वैल्यू ऑफ अ सर्टन प्रिंसिपल आफ्टर 3 ईयर्स, मीन्स 3 साल का हम लोग को इतना है, एंड आफ्टर 4 ईयर्स इट बिकम्स दिस मच। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल, हमको प्रिंसिपल भी नहीं मालूम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मालूम है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ, लेट प्रिंसिपल बी पी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट बी आर। ठीक है, आर अपॉन 100 का ये होता है, राइट, सो हम आर ही रखते कि आर रखेंगे, अभी आर रखते हैं। ठीक है, आर में 100 कवर हो जाता है। ओके, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारे पास ए इक्वल्स टू पी 1+i वेस्ट टू n। एक्युमुलेटेड वैल्यू हम लोग कब बोला है, 3 साल, 3 साल से पहले, मतलब 3 साल का दिया हुआ इधर, तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं 3 ईयर्स, कितना था एक्युमुलेटेड वैल्यू 6,655 इक्वल्स टू पी एज इट इज रहेगा 1, एज इट इज i एज इट इज, एन कितना 3rd ईयर है, तो यहाँ पे एन 3 आ गया। ओके, और फिर जब यही चीज 4th ईयर का भी हम लोग को दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं 4th ईयर कितना दिया हुआ है 7,320.5 इक्वल्स टू पी 1+i वेस्ट टू 4। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, सो यहाँ पे हम लोग इसको एटलीस्ट इक्वेशन 1 और 2 ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे, सो हम लोग को बीच का जो अमाउंट मिल जाएगा, पर्टिकुलर कोई अमाउंट मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, तो बड़ा नंबर ऑफकोर्स ऊपर आ जाएगा 7,320.5 डिवाइड बाय 6,655 इक्वल्स टू पी 1+i वेस्ट टू 4 पी 1+i वेस्ट टू 3। यहाँ पे पी पी कैंसिल हो जाएगा, 4 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बच जाएगा, ये कितने सा होगा, ये हो जाएगा आपका 1.1 इक्वल्स टू, ये यहाँ पे आपका क्या बचा, 1+i बचा है सिर्फ। ठीक है, 3 to 4 है ना, तो एक तो बचा है ना ऊपर, सो 1+i, अगर मैं ये प्लस है शिफ्ट कर दो, देयरफॉर i इक्वल्स टू 1.1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 0.1। ठीक है, देयरफॉर r इक्वल्स टू 10%, राइट,
डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. ओके, सो वेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. अब हम लोग एक और चीज फाइंड आउट करना, प्रिंसिपल. सो पी फाइंड आउट करने के हम लोग दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे, थर्ड ईयर का वैल्यू ले लेंगे. तो देयरफॉर प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल की बात है यार, स्कूल के प्रिंसिपल नहीं है ये हमारे. ओके, सो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है. सबकी बारी आती है मालूम है, बट अपी सम की बारी है. तो 6655 प्रिंसिपल का पी एच डी से जगह 1 प्लस आई कितना है 0.1 वेस्ट टू 3. ठीक है, 6655 इक्वल्स टू पी 1.1 वेस्ट टू 3. ओके, इसे अमाउंट कितना हो जाएगा ये 1.1331. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जगह डिवाइड हो जाएगा. तो पी इक्वल्स टू 6655 डिवाइड बाय 1.1331. सो आपको पी क्या मिलेगा, आपको पी इक्वल्स टू 5000. ओके, सो यू गॉट द आंसर. पी भी मिल गया आपको, आर भी मिल गया. सो सेकेंड क्वेश्चन इज सॉल्व. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.